बंगाल सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। बंगाल पुलिस का अपराधीकरण हो गया है। बंगाल में लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल रहा है। ममता बैनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कोलकाता पुलिस कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। बंगाल सरकार अपराधियों को बचा रही है। बंगाल में लोग सेफ नहीं, डेंजर जोन में हैं। ये सियासी बयान नहीं बल्कि संवैधानिक पद पर बैठे उस शख्स का है जिनके पास पूरे पश्चिम बंगाल में देश के संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुलकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में तो नहीं बोल रहे, लेकिन उनके इस बयान से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की अटकलें तेज हो गई हैं। इन बंगाल डेमोक्रेसी इज डीजनरेटिंग इन द मोबोक्रेसी, दैट इज ए अनफॉर्चुनेट पिक्चर ऑफ कंटेम्पररी बंगाल। देयर हैज बीन ग्रेव फेलियर of the state government machinery. As a constitutional authority, I keep meeting my constitutional superior, the President of India. What transpires between us will not be given in the public domain because it's not expected of a governor. पिछले दिनों राज्यपाल बोस दिल्ली आकर राष्ट्रपति से मिल चुके हैं। ऐसे में सियासी हलकों में ये सवाल तय रहा है कि अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा। बंगाल में तेजी से बदले सियासी घटनाक्रम की पूरी तस्वीर समझने से पहले आपको गवर्नर सीवी आनंद बोस के कुछ बयानों पर गौर करना चाहिए। गवर्नर ने कहा है कि आरजीकर कॉलेज की घटना एक बड़े मामले का छोटा हिस्सा है। पूरे बंगाल में हालात खराब हैं। 20 महीने में बंगाल के 100 से ज्यादा गांव में हिंसा देखी है। पुलिस का एक विभाग जानबूझकर हिंसा कंट्रोल नहीं करता। पुलिस पर राजनीतिक दबाव है। बंगाल में जियो और जीने दो वाले हालात नहीं हैं। महिलाओं के लिए बंगाल सुरक्षित नहीं है। राज्य सरकार ने महिलाओं को निराश किया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हजारों दंगाई घुस गए, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। रेप मर्डर के बाद सीएम से एक्शन लेने के लिए कहा, लेकिन सीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की। संविधान के मुताबिक बंगाल सरकार से 30 बार रिपोर्ट मांगी, लेकिन सरकार ने सिर्फ एक जवाब दिया। बंगाल की जनता सड़कों पर निकल आई है और राज्य में हिंसा और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। The government is supposed to protect the people, not protest. And what is happening there? As governor, I know the portfolio is allotted there. Here, the health minister is complaining to the home minister. The home minister is complaining about the health minister. Both are complaining to the chief minister. And the chief minister is coming on the street. Now, as I understand, health minister is the home minister. Home minister is the chief minister, all rolled into one. This looks like a tamasha for me. राजभवन पर पहले ममता बैनर्जी कई बार सियासी टीका टिप्पणी के आरोप मन चुकी है, लेकिन दीदी और उनकी सरकार देश की सबसे बड़ी अदालत की टिप्पणी पर क्या कहेगी? पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता कांड पर पश्चिम बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस को जमकर फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो सहायक पुलिस अधीक्षक हैं, उनका आचरण भी बहुत संदिग्ध है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? राज्य सरकार ने इस केस में इस तरह से काम किया जो मैंने अपने 30 साल के करियर में नहीं देखा। बंगाल पुलिस का कामकाज चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे ऐसे सवाल थे कि जिनका बंगाल सरकार के वकील को जवाब देते नहीं बना। जैसे पुलिस ने FIR दर्ज करने में 14 घंटे की देरी क्यों की? अननेचुरल डेथ का केस दर्ज होने से पहले पोस्टमार्टम क्यों? पोस्टमार्टम से पहले क्राइम सीन को सिक्योर क्यों नहीं किया गया? जब सुबह ही पता चल गया था कि ये मर्डर का केस है, तो फिर ये देरी क्यों? अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का बर्ताव इतना संदेह वाला क्यों है? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का केस को सुसाइड बताना संदेह जताता है। कोर्ट ने पूछा कि पीड़ित परिवार का बयान लेने में इतनी देरी क्यों की गई? डॉक्टर बेटी के इंसाफ की मांग को लेकर उनके कम्युनिटी के लोग तो लगातार प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन बंगाल में अब आम जनता भी सड़कों पर है।
ये तस्वीर देखिए, सैकड़ों की संख्या में लोग ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर इंसाफ मांग रहे हैं। इस रैली में बड़ी संख्या में मुसलमान महिलाएं भी शामिल हैं। महिला को सुरक्षा दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, डॉक्टर को सुरक्षा दे न सकी वो सरकार निकम्मी है। ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। भी हमारे राज्य में जो हो रहा है ये बड़ी बड़ी से बड़ी नारकीय घटना हो रही है। क्या प्रेसिडेंशियल रूल कोई सलूशन हो सकता है हमारे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए? लिया तो जा सकता है, लेना चाहिए इनफैक्ट तो। हाँ, अगर ये न्यूज पब्लिश हुआ कोई गारंटी नहीं कि मैं इधर पे रहूंगा कि नहीं, इस दुनिया में रहूंगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। हमारे अभी चीफ मिनिस्टर है, उनको रिजाइनेशन दे देना चाहिए, क्योंकि उनके रहते हुए एक वुमेन हमारी चीफ मिनिस्टर है, उनके रहते हुए वुमेन के साथ ये सारी हरकतें हो रही है। हम लोगों को बिल्कुल लगता है कि वो महिला होके भी जब महिला को सुरक्षित नहीं रख सकते तो कैसे महिला मुख्यमंत्री है वो? वो पैसे देके लाइक चुप कराना चाहती है एक लड़की के साथ ऐसा, अगर उनके साथ ऐसा होता तो कौन पैसा देने से हो जाता? तो महिला लोगों का रेट ठीक हो रहा है इसी दर्शन के ऊपर, महिला लोगों का रेट ठीक हो रहा है 10 लाख 2 लाख, ये कैसे राज्य है? चीफ मिनिस्टर होके इतना से भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते जिसके कारण एक महिला रास्ते पे शाम में या फिर रात में इंडिपेंडेंटली घूम सके? इतना तो उनको एक्चुअली मतलब इतना तो एटलीस्ट इंश्योर करना चाहिए ना, वरना किस काम के चीफ मिनिस्टर है आप? कोलकाता रेप मर्डर कांड के बाद एक और पब्लिक सेंटिमेंट लगातार ममता सरकार के खिलाफ जा रहा है, तो वहीं टीएमसी के पार्टी कैडर के बीच भी दीदी अकेली पड़ती जा रही हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड के खिलाफ ममता बनर्जी ने पिछले दिनों पैदल मार्च निकाला था, लेकिन इसमें उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की लाइन अलग दिख रही थी। सूत्र बताते हैं कि जिस तरह से सरकार ने पूरे मामले को हैंडल किया उससे भतीजे अभिषेक बनर्जी भी नाराज हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि अभिषेक ममता के बीच मतभेद घटना के बाद पूर्व प्रिंसिपल के ट्रांसफर से शुरू हुआ था। सरकार ने पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सस्पेंड कर दिया, फिर तुरंत कोलकाता के प्रतिष्ठित नेशनल मेडिकल कॉलेज में संदीप घोष को नियुक्ति दे दी गई। अस्पताल के भीतर डॉक्टर के रेप और हत्या की पूरी घटना पर अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले पूर्व सांसद शांतनु सेन ने यहां तक कह दिया था कि मेरी बेटी भी वहां पढ़ती है, मगर मैं असमंजस में हूं कि अपनी बेटी को आरजी कर में नाइट ड्यूटी पर भेजूं या नहीं। माना यह गया कि शांतनु का यह बयान अभिषेक बनर्जी के इशारे पर आया। ममता बनर्जी इससे नाराज हुई और उन्होंने प्रवक्ता पद से शांतनु को हटा दिया। तो क्या ममता को अब चुनौती पार्टी के भीतर भी मिल रही है? संदेह के घेरे गहरे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता सरकार ने महिला डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केस को दबाने की भरसक कोशिश की थी। ममता बनर्जी का रिजाइन, क्योंकि वो रिजाइन नहीं करेंगे तो जस्टिस नहीं होगा और जितने गुनाहगार को बचाने के प्रयास कर रही हैं। आज स्लोगन आ रहा है कि लोकी भंडार नहीं चाहिए, हमारी बेटी को वापस दीजिए। ममता बनर्जी के लिए परेशानी सिर्फ कोलकाता रेप और मर्डर कांड ही नहीं है, बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेर रही है। 4 दिन पहले बीजेपी ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें खून से लथपथ एक महिला की लाश दिख रही है। ये घटना आनंदपुर की है जहां झाड़ियों के बीच महिला का शव मिला था। बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी राज्य में महिलाओं को सुरक्षा देने में फेल है, ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो वो फेल मुख्यमंत्री के तौर पर याद रखी जाएंगी। शायद ये पहला मौका होगा जब ममता बनर्जी का हर दांव खाली जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ममता बनर्जी को बोलते नहीं बन रहा, पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्टी के भीतर भी असहमतियों के दौर शुरू हुए हैं। दिक्कत यह है कि बंगाल में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है,
संदेश खाली से लेकर पहले भी कई बार ऐसे मामले आ चुके हैं महिला अपराध से जुड़े हुए, जिसने ममता राज में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हों। हालांकि उस वक्त ममता ये कहती हैं कि विरोध करने वाले, प्रदर्शन करने वाले सब बीजेपी के ही लोग हैं। ममता इस पर विरोध भी करती हैं, प्रदर्शन भी करती हैं, सड़क पर रैली भी निकालती हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार बात पहले जैसी दिखाई नहीं थी। कुछ लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि काठ की हांडी जो होती है ना, वो बार बार नहीं चढ़ती है। सवाल ये है कि क्या जिस हाल में बंगाल दिख रहा है उसमें राष्ट्रपति शासन का विकल्प खुलता है? पिछले दिनों ये सवाल बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस से पूछा गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि ये मामला राजनीतिक है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। So you think that the president rule is an option? I do not want to be speculative here. There are many options in the Constitution of India. All these options are open. Which option the nation is going to take, the appropriate authorities will announce it. I do not want to add anything to that at this stage. गवर्नर ने राष्ट्रपति शासन के बारे में साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि संविधान में जो भी विकल्प हैं, वो खुले हुए हैं। संविधान के आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि वो किसी राज्य की सरकार को भंग करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो वो राष्ट्रपति शासन लगा सकती हैं। अगर किसी राज्य में सरकार दंगे या फिर नागरिक अशांति को रोकने में विफल रहती है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट का इंतजार करें। राष्ट्रपति शासन लगने के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन कराना जरूरी है। राष्ट्रपति शासन लगाने के 6 महीने के अंदर राज्य में चुनाव कराना होता है। अगर हालात नहीं सुधरे तो संसद की सहमति से राष्ट्रपति शासन को 6-6 महीने करके 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक ओर बंगाल के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। बंगाल की डॉक्टर बेटी पर राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, अखिलेश यादव से लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे तक तमाम विपक्षी नेताओं की जुबान बंद है। जो बोल भी रहे हैं उनके बयानों में आक्रामकता नहीं दिखती। मामला इंडी गठबंधन से जुड़ता है, शायद इसलिए। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। दिखवे भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते। ममता बनर्जी जी खुद मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं। आप उनसे उम्मीद नहीं करोगे कि वो तो करेंगी कार्रवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति न करें। आज बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है, राष्ट्रपति शासन लगाने की चर्चा हो रही है। टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है, लेकिन एक समय था जब ममता बनर्जी खुद बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग किया करती थीं। 2007 में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री लेफ्ट के बुद्धदेव भट्टाचार्य थे। ममता ने आरोप लगाया था कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ममता ने कहा था कि बंगाल में SC/ST वर्ग के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। तब ममता ने आरोप लगाया था कि पुलिस महिलाओं पर हमला कर रही है और SC/ST वर्ग के लोगों की जमीन छीन रही है। ममता ने कहा था कि बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार खो चुके हैं। ममता ने राष्ट्रपति से अपील की थी कि वो सरकार को भंग करें और राष्ट्रपति शासन लगाएं। इसी तरह साल 2009 में एक बार फिर से ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। उस समय भी बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी और बुद्धदेव भट्टाचार्य ही मुख्यमंत्री थे। तब ममता बनर्जी UPA सरकार में रेल मंत्री थीं। ममता ने तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। ममता ने आरोप लगाया था कि बंगाल में लेफ्ट के लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं।
आरोप ये भी कि बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बंगाल की सरकार माओवादियों के साथ मिली हुई है और लोकतंत्र बचाने के लिए बंगाल में आर्टिकल 356 लागू करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। यानी ममता बनर्जी जब बंगाल में विपक्ष में थीं, तब वो खुलकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करती थीं और राष्ट्रपति शासन की मांग किया करती थीं। और आज उसी बंगाल में पिछले 13 साल से ममता बनर्जी सत्ता पर काबिज हैं। मां माटी और मानुष का नारा करके पिछले 3 विधानसभा चुनाव जीतकर कुर्सी पर लगातार बनी हुई हैं। उसी बंगाल में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।